हेलो दोस्तों, पूरा ये बालनेस था और जो कि 5.5 महीना तकरीबन हो गया है, मगर जो कि रिजल्ट कम्प्लीटली तो अभी भी पूरा नहीं आया है। इसका वजह क्या है दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल ही खास होने वाला है दोस्तों, उन सभी दोस्तों के लिए जो लोग न्यू हेयर लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो लोग जो है कि कभी बैंकॉक का इस्तेमाल करते हैं, कभी जो कि थाईलैंड वाला इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप जो है कि बैंकॉक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और थाईलैंड वाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है कि कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए जो कि आपको नुकसान कर सकता है, जैसा कि दोस्तों मेरे साथ हुआ है। जैसा कि दोस्तों फिर भी आप देख सकते हैं 5.5 महीना के अंदर बहुत सारा बाल आया है, ये आगे का पोजीशन में, अभी जो कि बाल का ग्रोथ बिल्कुल स्लो है। बीच में दोस्तों मैंने जो कि बाल को कट भी कर लिया था इसलिए अभी छोटा नज़र आ रहा है, मगर दोस्तों आप लोगों को लाइव भी नज़र आ रहा होगा कि बाल तो आया है। अब दोस्तों जो मिस्टेक्स मैंने किया है दोस्तों वो आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। अगर आप जो है कि स्टार्टिंग से बैंकॉक वाला इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर स्टार्टिंग से आप जो कि पैराडाइज वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, थाईलैंड वाला, दोस्तों दोनों जो कि न्यू ईयर लोशन सेम है, दोनों का इंग्रेडिएंट्स जो है कि बिल्कुल सेम यहाँ पे दिखाई देता है, सारा चीज़ सेम यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है, मगर फिर भी दोस्तों इसका अंदरूनी मामला है, इसके अंदर जो कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है जो कि दोस्तों ये यूज करने के बाद, बैंकॉक वाला जो मैं यूज किया था तकरीबन 4.5 महीना दोस्तों, और जो है कि ये यूज करने के बाद मेरा जो कि बिल्कुल ग्रोथ स्लो हो रहा था, ग्रोथ दोस्तों स्लो हो रहा था, मगर जो है कि बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ रहा था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को भी पता होगा कि अभी जो है कि बैंकॉक वाला उतना नहीं मिलता है, ऑनलाइन पे भी अगर आप सर्च करते हैं तो हर जगह जो कि पैराडाइज वाला ही मिलता है दोस्तों। मैंने भी सोचा कि एक डब्बे जो कि मैं पैराडाइज वाला भी इस्तेमाल करके चेक करता हूँ कि उसमें जो कि क्या फ़र्क आता है, दोनों तो आखिर सेम है, कंपनी भी सेम है। पैराडाइज वाला मंगा करके दोस्तों उसका सील वील सारा चीज़ मैंने देखा तो सब कुछ ओरिजिनल लगा और जो कि मुझे बिलीव हुआ कि ये भी सही है और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर दोस्तों 14-15 दिन के बाद जो है कि मेरा बाल झड़ना भी स्टार्ट हो गया और जो कि बाल कुछ दिन तक जो कि झड़ने लगा दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ आप लोगों के साथ भी हो सकता है और आप लोगों के साथ बहुत सारे लोगों को साथ हुआ होगा जो लोग पैराडाइज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कहना है कि बाल भी ग्रो होता है और झड़ता भी है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक सावधानी क्या करना होगा, जैसे कि आप अगर ये बैंकॉक वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको बैंकॉक वाला नहीं मिल रहा है और जो कि आपने जो कि पैराडाइज वाला मंगाया है दोस्तों, आपको इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार फिर से टकला हो जाना है। टकला इसलिए हो जाना है दोस्तों कि ताकि ये बैंकॉक वाला का जो असर है ये रूट के अंदर पूरा इसमें जो कि असर तो रहता ही है, और जो कि ये उसके बाद हम लोग ये पैराडाइज वाला इस्तेमाल करते हैं इसका भी असर वहाँ पर होने लगता है, तो दोनों का दोस्तों कुछ ना कुछ जो कि डिफरेंस ज़रूर है जिसका वजह से जो कि ये बाल पे असर होता है और जो कि बाल भी झड़ता है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अगर बाल को टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो इसको क्या कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल जो है कि आपको सेव कर लेना है, रेजर से सेव कर लेना है सैलून में जाके, और बिल्कुल सेव कर लेने के बाद उसके बाद दोस्तों 2 दिन छोड़ देना है, 2 दिन के बाद जो है कि आपको पैराडाइज वाला इस्तेमाल करना है तो आपका जो कि बाल नहीं झड़ेगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों कॉमेंट भी आता है और जो बहुत सारे लोग सलाह सुझाव भी देते हैं हमारे चैनल के ऊपर। आप लोगों को दोस्तों कैसा लग रहा है, आप लोगों को क्या सही में लग रहा है कि बैंकॉक वाला इस्तेमाल करने के बाद अगर आप पैराडाइज का इस्तेमाल करते हैं तो आपका भी जो है कि एकदम से बाल झड़ना शुरू हो जाता है? पहले दोस्तों जब मैं बैंकॉक वाला इस्तेमाल करता था तो उस टाइम में जो है कि बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ता था, एक भी बाल नहीं झड़ता था, बल्कि ग्रोथ तो स्लो आता था। अभी भी दोस्तों ग्रोथ जो है कि ये सब आधा तकरीबन बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया और ये सब में जो है कि अभी भी ग्रोथ जो है कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मगर दोस्तों जैसा मेरा स्काल्प का कंडीशन था ये पूरा जो है कि बिल्कुल चांद की तरह चमकता था, अभी वैसा नहीं है, अभी फिर भी बहुत सारा चेंजेज हुआ है। तो दोस्तों आपको यही चीज़ करना है, बैंकॉक वाला अगर यूज करने के बाद अगर आपको बैंकॉक वाला नहीं मिल रहा है, आपको पैराडाइज वाला मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल सेव कर लेना। इंशाल्लाह दोस्तों मैं जो है कि 2 दिन के बाद मैं भी जो है कि पूरा एक बार टकला कर लूँगा फिर से जो है कि, और उसके बाद मैं फिर से इसको पैराडाइज वाला का इस्तेमाल करूँगा, देखता हूँ इसका एक्सपीरियंस क्या होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।